हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मॉम्स क्रिएटिव लाइफ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी, जो कि है क्रिस्पी मैक्रोनी, जो कि मैंने एक्स्ट्रा बॉईल करके मैक्रोनी रखी हुई थी कल। कल मैंने मैक्रोनी बनाई थी तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा बॉईल करके रख ली थी मैंने, और आज हम उसको मॉर्निंग स्नैक्स में बना रहे हैं। ये देखिए, ये यम्मी सी क्रिस्पी मैक्रोनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक टिफ़िन मैक्रोनी जो है बॉयल मैक्रोनी ले ली है। बॉईल का मेथड आपको पता ही है, 90% हमें बॉईल करना होता है, पूरे अच्छे से कुक नहीं करना होता है। उसके बाद ठंडे पानी से निकाल के, मतलब ठंडे पानी से धो लेना है। धोने के बाद मतलब जो है, अगर आप इंस्टेंट बॉईल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ कि बॉईल होने के बाद 90% बॉईल हो जाए, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें एक दो बार, तो उसकी जो कुकिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, और जो मैक्रोनी हमें चाहिए जितना कुक उतना मतलब परफेक्ट कुक्ड होती है वो। ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च या अगर मैदा हो तो मैदा भी ले सकते हैं। इसको जस्ट क्रिस्पी करने के लिए लेना है, बस बहुत ज़्यादा मत ले लीजिएगा। अब हम इसको कोट कर लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे कि हमारे सारी मैक्रोनी कोटेड हो जाए, और जो मैक्रोनी का मतलब जो वॉश करने के बाद थोड़ा बहुत मॉइस्ट रह जाएगा उसको रहने दीजिएगा, वो कोटिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी उससे, तो वो कोटिंग हमें चाहिए होगी। और अगर आप रखी हुई मैक्रोनी जैसे बॉइल्ड, आपने ज़्यादा बॉइल्ड हो गई है और आप पूरी नहीं बनाते हैं, एक्स्ट्रा रख लेते हैं उससे बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि वो ड्राई हो गई है तो उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के थोड़ा मिक्स करके उसके बाद आप कॉर्नफ्लावर डाल लीजिएगा, तो कोटेड हो जाएगी वो। अब हम इसको, ये देखिए मेरी सारी मैक्रोनी कोटेड हो गई है। अब एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है मैंने, जितना फ्राई करने के लिए ज़रूरत है उतना ही ले लिया है, और मैंने एक स्ट्रेनर में जो है इसको ले लिया है ताकि एक्सेस जो भी हमारा कॉर्नफ्लावर है वो निकल जाए, वो स्ट्रेन हो जाए और फिर हमारा ऑयल ख़राब ना हो। ये देखिए, ये मैंने इसको पहले ही एक बार जो है स्ट्रेन कर लिया था, अच्छे से छान लिया था। अब हम हमारा ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हमारी मैक्रोनी डाल देंगे। ये मैं एक ही बैच में निकालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इसकी। ये देखिए, मैंने सारे जो हैं एक ही फर्स्ट टाइम में ही डाल दी है हमारी मैक्रोनी, और इसको ना 1.5 से 2 मिनट के लिए आप अनडिस्टर्ब फ्राई होने दीजिएगा। अगर आप तुरंत ही जो है इसको चलाने लग जाएंगे तो ये टूट जाती है मैक्रोनी जो है हमारी। अब देखिए, 1 से 1.5 मिनट के बाद जब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, और ये मैक्रोनी जो है हमारी सेपरेट भी हो जाएगी, जैसे मतलब देखिए हाँ, मतलब फ्राई हो जाने के बाद सेपरेट हो जाती हैं मैक्रोनी के दाने, तो उससे आपको पता चल जाएगा और कलर चेंज तो हो ही जाएगा, तो उसके बाद ही इसको जो है चलाइएगा, बीच में मत चलाइएगा। ये देखिए, कलर चेंज हो गया है, हमारी मैक्रोनी हो गई है क्रिस्पी रेड और ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको एक बॉल में निकालूंगी। इसमें टिश्यू पेपर मत यूज़ कीजिएगा, टिश्यू टॉवल या कोई और पेपर, बिकॉज़ जो ऑयल इसके साथ थोड़ा आएगा वो हमें चाहिए होगा ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से कोट हो जाएँ। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे हमारी मैक्रोनी को, और इसको फ्राई करते वक्त ना क्रैकर की साउंड आती है तो उससे घबराइएगा मत, वो जो मैक्रोनी में मॉइस्ट होता है वो उसकी वजह से आती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट और ब्लैक पेपर। आप चाहें तो स्प्रिंकलर जो है अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, पिज़्ज़ा स्प्रिंक मसाला आता है वो डाल सकते हैं, या कोई मैगी मसाला डाल सकते हैं, मतलब जो भी आप चाहें, काला नमक डाल सकते हैं। मैंने जस्ट ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाला है इसमें। आप चाहें तो मसाले अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, चाट मसाला भी ले सकते हैं, पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट इसका भी कोई रूल नहीं है। ये हो गई है हमारी मैक्रोनी रेडी। आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने बस बच्चों के अकॉर्डिंगली बनाया है इसलिए मैंने ओनली ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट स्प्रिंकलर किया है। ये देखिए, हमारी कुरकुरी मसाला मैक्रोनी रेडी है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप चाय के साथ एज ए नमकीन भी ले सकते हैं, और चाहे तो इसकी भेल भी बना सकते हैं टमाटो एंड अनियन कट करके, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।